स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं मेनली टीपीएससी एलडीसी की, वहाँ पे किस तरह के टॉपिक्स अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, उसकी एक ब्रीफ स्केच हमने यहाँ पे प्रिपेयर करी है। कुछ सजेस्टिव टॉपिक्स हैं जो आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा, सजेस्टिव टॉपिक्स हैं कुछ जो हम लोगों को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। इस पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना ऐसे। जो टॉपिक्स हैं आपको दिख रहे होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, ड्रग एडिक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ग्लोबल वार्मिंग, डेमोक्रेसी, ये सारे पुराने टॉपिक्स हैं, फिर भी ये हमेशा ही रिलेवेंस कैरी करते हैं, क्योंकि हर एक जो ये टॉपिक है वो बहुत पहले से चली आ रही टॉपिक है, लेकिन उसमें जो करंट रिलेवेंस है वो हमेशा चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग की जो इशू है वो आज से नहीं, 50 साल पहले से भी हमारे वर्ल्ड में मौजूद थी। ग्लोबल वार्मिंग की जो इशू हमको देखने को मिलती है, लेकिन उसकी जो रिलेवेंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। उसकी रिलेवेंस हमको कैरी करनी होगी करंट रिलेवेंस के साथ, और फिर हम उसको एक ऐसे में ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, साथ में कुछ और टॉपिक्स हमने ऐड करी हैं। ये बेसिकली हमारे स्टेट त्रिपुरा पे बेस्ड है, टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, फेस्टिवल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज और फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट ऑफ त्रिपुरा। ये कुछ टॉपिक्स हैं, सजेस्टिव टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। इस पे आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन प्रैक्टिस। इसमें से जो ये टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ त्रिपुरा, यहाँ पे हमने एक ऐसे ड्राफ्ट करी है, आप लोगों को स्क्रीन में अभी दिखेगी। तो हमने ट्राई करी है कि जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताए हैं उन सबको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप तक लाया जाए। तो जो टॉपिक हमने चूज करी है वो है इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ त्रिपुरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या इंक्लूड करी है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है कि इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ त्रिपुरा के ऊपर जब हम एक ऐसे ड्राफ्ट करेंगे तो हमें ये ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए, ये ब्रीफ आइडिया हमको रहनी चाहिए कि क्या क्या इंडस्ट्रीज त्रिपुरा में मौजूद हैं, क्या बेसिक एमिनिटीज यहाँ पे, क्या फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्यों इंडस्ट्रियल सर्ज त्रिपुरा में पॉसिबल नहीं हो पा रही है, और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो हमको पहले से रहनी चाहिए। इसके अगर ये आइडियाज़ हमारे पास एकदम ही नहीं है तो हम एक अच्छा ऐसे हम ड्राफ्ट नहीं कर सकते। इस एग्जांपल की ओर नज़र डालिए, यहाँ पे हमने क्या करी कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे इंक्लूड करे, द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ एनर्जी, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह वगैरह। फिर हमने जो पार्ट इंक्लूड करी वो है त्रिपुरा के कंटेक्स्ट में, दैट इट इज़ वेरी शॉकिंग दैट दो मोस्ट ऑफ द एबव सेड फैक्टर्स आर अवेलेबल, यहाँ पे अवेलेबल हैं फिर भी त्रिपुरा लैक कर रही है इन केस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि इशू है हमारे स्टेट में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बन गई। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये इस बात पे जोर डाला कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, वो अवेलेबल हैं त्रिपुरा में, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुई हो पाई है लार्ज स्केल। उसकी एक वजह हमने यहाँ पे बताई कि जियोग्राफिकल पोजिशन ऑफ त्रिपुरा हैज़ गॉन अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो जियोग्राफिकल पोजिशन है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें हमने ये भी इंक्लूड करके, इट इज़ ऑल्सो टफ टू गेट स्किल्ड लेबर्स हियर टू स्टार्ट एंड इंडस्ट्री। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं एक एक निचोड़ में, एक कंसाइज वे में हमने यहाँ पे प्रेजेंट करी कि त्रिपुरा में जो फैक्टर्स हैं, जो प्री रिक्विजिट फैक्टर्स हैं एक इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज के लिए वो अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम ओवरकम अभी तक नहीं कर पाए हैं। फिर जो मेन बॉडी आती है उसमें हमने क्या इंक्लूड करी आप देख सकते हैं, However, in case of raw materials, one can easily dream of setting up an industry here. क्या क्या possibilities हैं कि यहाँ पे एक industry set कर सकते हैं, क्योंकि natural gas हमारे state में rich है जो supply of energy को fulfill करेगी, energy requirement को fulfill करेगी, साथ में surplus amount of electricity हमारे state में मौजूद है। इसके अलावा जो communication system है, rail communication system है, वो पहले जैसी नहीं रही। Present context में अगर बात करें, ये same context शायद 20 साल पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन आज की अगर बात करें, आज के दौर में अगर बात करें 2022 की अगर बात करें, तो रेल कम्युनिकेशन सिस्टम
सफिशियंट कम से कम इतनी है कि अगर इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिले तो रेल कनेक्टिविटी हमको सारे इक्विपमेंट्स के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम तक कर सके। रॉ मटेरियल्स काफ़ी सारे यहाँ पे अवेलेबल भी हैं। इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन त्रिपुरा, जो कि एक इशू है, वो एक फैक्ट है, आप इसको इस पे नज़र डालें। लेकिन यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या है, जैसे बम्बू केन इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, और जो डेली यूज़ के मटेरियल्स हैं जैसे चेयर, टेबल, मैट्स, बास्केट, फैंस, वाटर टेबल, पेन होल्डर्स, पीकॉक, तो ये सारे ऑलरेडी त्रिपुरा में प्रोडक्शन होते हैं। बैम्बू कैन इंडस्ट्री के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे स्टेट में ऑलरेडी है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे डॉल्स ऑफ त्रिपुरा एंड वुडन फ्रेम्स ऑफ पिक्चर्स, ये सारे लोकल मार्केट या फिर आउटसाइड द स्टेट, ये इनकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट हैं इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटी के, जो प्रोस्पेक्ट हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा द डाइटीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज आर मेड ऑफ बैम्बूज एंड कैंस, द फर्नीचर आर्टिकल्स डिजर्व अ स्पेशल मेंशन, ये भी एक स्पेशल मेंशन कैरी करती है, ये एक फैक्ट है। चेयर, टेबल, अलमीरा, रैक, वुडन बेड, टी टेबल्स, स्टूल्स, फ्रूट एक्सेट्रा इज रियली वंडरफुल, और उनके जो फाइन फिनिश है वो वंडरफुल है। इसमें हमने सारे फैक्ट्स जितने हो सकते हैं उतने यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉडी में हमने ऐड करे हैं। इसमें हमने किसी तरह के जो प्रोज हैं, कॉन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने यहाँ पे ऐड नहीं करे हैं। हमने यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड करे हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ अवेलेबल है, क्या क्या ऑलरेडी फ्लरिश कर चुकी है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री के रूप में, उसको हम यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे डालेंगे अपने बॉडी में, इसको प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे ब्रॉडर पिक्चर में लाएंगे। फिर उसके बाद जो कंक्लूसिव पार्ट है उसमें हम डाल सकते हैं कि त्रिपुरा में क्या क्या अवेलेबल है और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या क्या बढ़ रही है, पास्ट के अगर रिलेवेंस में अगर बात करें, पास्ट के कंपैरिजन में अगर बात करें। जैसे त्रिपुरा इज फेमस फॉर फॉरेस्ट वेल्थ, वैल्यूएबल ट्रीज ऑफ त्रिपुरा इन फॉरेस्ट ऑफ देर आर मेनी वैल्यूएबल ट्रीज इन द फॉरेस्ट ऑफ त्रिपुरा, सो देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप वुड बेस्ड इंडस्ट्री हियर। ये हमारी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हमने कंक्लूजन में ऐड करी। रबर प्लांटेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, सो रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक टायर ट्यूब फैक्ट्री में ऑल्सो भी सेटअप हियर। ये अभी तक हुई नहीं है पर ये एक फ्यूचर कंसिडरेशन है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जिसको हम जो कंक्लूजन पार्ट है हमारी, कंक्लूसिव पार्ट है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा पाइन एप्पल एंड जैक फ्रूट हैव नाउ अचीव स्पेशल नेम एंड फेम इन दिस कंट्री, सो इंडस्ट्रीज लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इजिली भी फ्लरिश है, जो अभी तक हुई नहीं है पर ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। इसके अलावा हम एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो आइडिया है, उसको हम फाइनली ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट इज वेरी सिंसियर एंड इंटरेस्टेड टू एनकरेज द इंडस्ट्रियलिस्ट टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज हियर, जो कि अभी देखने को मिल रही है। प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन विल श्योरली बूस्ट अप द स्टेट इकोनॉमिकली एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ्स। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरे कंट्री में वाइड स्प्रेड है, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे स्टेट में होती है, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होती है, तो ये हमारे स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी यूथ्स के लिए। ये हम कंक्लूसिव पार्ट में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। काफ़ी सारे और भी आइडियाज़, काफ़ी सारे और भी फैक्ट्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम रहती है तो सारे आइडियाज़ हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। जो जो मस्ट इंक्लूड पॉइंट्स हैं उसको हम अपने एसे में इंक्लूड करेंगे और एसे को उसी तरह से ड्राफ्ट करेंगे। आप चेक कर सकते हैं जो यहाँ पे एसे ड्राफ्ट हुई है उस वो करीब करीब 400 वर्ड्स की है, तो 400 वर्ड से भी आप अगर 300 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है तो काट छाट कर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। हम 400 वर्ड्स को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, उससे हमें अगर कुछ भी इंक्लूड करनी हो तो आइडियाज़ काफ़ी सारी बाकी हैं जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर एक्सक्लूड करनी हो तो कुछ कुछ बातें हम यहाँ से कुछ कुछ जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने ऐसे को, अगर अपनी वोकेबुलरी अगर इतनी स्ट्रांग है, हमारी वर्ड पावर अगर इतनी बेहतर है, तो हम इसको इस तरह से कंसाइज कर सकते हैं कि दो तीन आइडियाज़ को हम
सिंगल लाइन में, सिंगल सेंटेंस में हम फ्रेम कर दे रहे हैं। इससे जो वर्ड लिमिट है उसमें भी हमारी जो ऐसे है वो ड्राफ्ट हो जाएगी, और साथ में जो आइडियाज है वो भी सारे इंक्लूसिव रहेंगे, कुछ भी हम रिमूव या ओमिट हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी बात ऐसे राइटिंग की। ये एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर बात बात करें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पार्ट में ऐसे हमेशा ही देखने को मिली है। एग्जामिनेशन में एक दो टॉपिक्स आते हैं जिसपे हमको ऐसे ड्राफ्ट करनी होती है। आशा करते हैं कि जो हमने यहाँ पे वीडियो बनाई है इससे आप लोगों को अपने ऐसे के प्रिपरेशन में हेल्प होगी। अगर आप नए हैं ऐसे राइटिंग के एरिया में तो आप यहाँ से आइडियाज़ लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं किस तरह से ऐसे लिखते हैं या फिर किस तरह से ऐसे को ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो ये आइडियाज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्किल में ताकि और भी बेहतर आपकी ऐसे हो। इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की दो और टॉपिक रह गई है जो इम्पोर्टेंट है, रिपोर्ट राइटिंग और समरी राइटिंग। इससे पहले हमने प्रेसी राइटिंग के बारे में बात करी थी। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वीडियोस को चेक कर सकते हैं, या फिर जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पे आप लोगों को आई बटन दिख रही होगी, वहाँ पे आप लोगों को जो प्रेसी राइटिंग की जो वीडियो हमने अपलोड करी है उसकी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी नए अपलोड्स हों हमारे चैनल में वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएँ। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि आप लोगों को किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, उस पे हम वीडियोस बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।